अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपनी फिंचेस से, क्योंकि फिंचेस दोस्तों आपको पता जा सके तकरीबन 3-4 दिन से मैंने यहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया था। तो फिर मैंने जो था उसी दिन जो था ना इनकी मटकी लगा दी थी आपके सामने, तो मैंने इनको कोई भी जो थी ना नेस्टिंग वगैरह नहीं दी थी, जिसकी वजह से इनको मैंने कोई भी नेस्टिंग नहीं दी थी। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने चाहता था कि ये जो है ना पहले इस केज में दोस्तों एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद जो है मैं इनको नेस्टिंग दूंगा। तो हम माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, ये खाते हैं नीचे, दाना पानी भी कर रहे हैं तकरीबन, इतना जो है अभी ये डर नहीं रहे हमसे। तो शाम का टाइम है, तो अब मैंने क्या किया इनको जो है दोस्तों ये देखें आपके सामने ये पड़ी हुई है, नेस्टिंग ला के डाली है। तो हम इंतज़ार करेंगे कुछ दिन तक, देखेंगे कुछ दिन बाद जाके कि ये जो है नेस्टिंग कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से जो है तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद जाके आपके सामने वीडियो बना के दिखाऊंगा। और मैं जो है इनको छेड़ता भी नहीं हूँ, सिर्फ दाना वगैरह बस इनका मैं चेक कर लेता हूँ, बस उसके बाद मैं जो है साइड पे हो जाता हूँ। तो अब माशाल्लाह से आपके सामने हमारी फिंचेज हैं और मटकी ये यहाँ पर लगी हुई है इनकी। तो चलें कुछ दिन बाद जाके जो है इनका देखेंगे। तो बाकी मैंने इनको घास डाल दी, दुआ कीजिएगा जल्दी से अपनी नेस्टिंग करें और हमारे पास इस दफ़ा यहाँ पर जो है अंडे दे दें। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक खुशखबरी भी देनी है और एक बैड न्यूज़ भी देनी है। वो मेरे साथ अचानक पेश आई है, तकरीबन कल को मैंने जाके देखा था अपनी एवरी में, तो एक बैड न्यूज़ मिली और एक अच्छी खबर मिली है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बस आप सीरे को अच्छा चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और लाइक लाजमी कर दें, और वीडियो दोस्तों हमने लास्ट तक देखनी है ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एवरी के अंदर मैं पहले चलता हूं, फिर जो है मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। तो एवरी में दोस्तों माशाल्लाह मैं आ चुका हूं, और ये देखें तोता मेरे जो है ना मोबाइल के ऊपर आके बैठ गया, वाइट वाला माशाल्लाह। हाँ ये मुझे पता है कि वो आके बैठा है, देखें इनका दाना जो है वो ख़त्म हो गया, ये देखें खाली पड़ा है। तो ये देखें तभी जो है मेरे हाथ के ऊपर आके बैठा, चलें इनको मैं दाना भी डाल देता हूँ। तो बाकी बैड न्यूज़ दोस्तों ये थी कि हमारी जो डायमंड डव को आपको पता है मैं कल को आया था अपनी एवरी के अंदर देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है, कोई परिंदा बीमार वगैरह तो नहीं, इस तरीके से आया था चेक करने के लिए। लेकिन क्या हुआ जब मैं डायमंड डव को देखने गया तो मुझे बैड न्यूज़ दोस्तों ये मिली कि हमारी छन्नी में से दो अंडे थे, जो उसमें से सिर्फ एक अंडा है। तो मुझे मैंने काफ़ी ढूंढा कि कहीं इधर उधर तो नहीं गिरा हुआ, लेकिन दोस्तों एक ही अंडा मुझे नज़र आया, बाकी एक अंडा मुझे गायब हो गया। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि वो अंडा जो है हमारा किधर गया, ठीक है। तो बाकी जब से मैंने दोस्तों ये छन्नी लगाई मुझे इनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें दोस्तों घास जो है हमारी फिसल रही है और हमारे जो परिंदे इसके अंदर आके बैठते हैं तो छन्नी जो है वो भी हिलती है। तो अब इसके नीचे जो है एक अंडा, मैं सोच रहा हूँ कि इस अंडे को हम रखे रहने देते हैं, जब इसमें से बच्चा निकलने वाला है तकरीबन कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक, तो जब वो बच्चा बड़ा होकर बाहर आ जाएगा छन्नी में से, फिर मैं क्या करूँगा कि इस छन्नी को जो है मैं इधर से निकाल के हटा दूँगा, फिर मैं हम कोई और, जैसे यहाँ पर इन्होंने नेस्टिंग की थी पहले काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, दो बच्चे भी निकल आए थे उनकी मैं आपको अपडेट दूँ। तो ये देखें माशाल्लाह वो घूम रहे हैं, ये देखें ये नीचे एक ये वाला है, एक इसके पीछे वाला है। तो ये माशाल्लाह दो बच्चे आए थे मेरे पास इस वाली साइड से, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाद में अभी नहीं, जब इनके बच्चे बाहर आ जाएंगे तब जो है इस छन्नी को हटा दिया जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये बात कि यार इसमें छन्नी में मैंने ये भी चीज़ नोट किया कि इसमें डूंगाई जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमारे अंडे जो हैं मुझे लग रहा है कि नीचे गिर रहे हैं, और ये छन्नी जो है फिसल रही है, कोई परिंदा इसके ऊपर आके बैठता है तो घास जो होती है वो फिसल के नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंडे भी ज़ाया हो रहे हैं, हमारे परिंदे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है हमारा काम ख़राब हो रहा है। तो अब मैंने ये सोचा है कि जब ये बच्चा बाहर आ जाएगा हमारा अंडे में से और बड़ा होकर जब छन्नी से छलांग मार देगा तो मैं क्या करूँगा कि इस छन्नी को दोस्तों इधर से हटा दूँगा ताकि हमारे परिंदे जो हैं उनकी ब्रीड ज़ाया ना जाए। यार इसकी जो है तकरीबन तीसरी ब्रीड है जो हमारे पास ज़ाया गई है, पहले भी दो अंडे ख़राब हुए जो इकट्ठे मैंने आपको बताया था वीडियो में बना के कि 4 अंडे हमारे ज़ाया हो गए। तो अब यार ये 5वां अंडा जो है वो भी हमारा ज़ाया हो गया, सिर्फ एक अंडा मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये ना हो कि दोबारा से जो है वो अंडा हमारा ज़ाया हो जाए। तो बाकी उसमें तकरीबन जो है हमारी 2 मेल और एक फ़ीमेल जो है वहाँ पे बैठी हुई है, ये आपस में पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ के बैठे जाते हैं वो देखें फंस के अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बाकी इसको भूख लग रही है, ये देखें बच्ची इसको। बाकी ये थी दोस्तों बैड न्यूज़, और बैड न्यूज़ से मुझे एक और बैड न्यूज़ याद आ गई है यार, ये देखें इसकी हरकतें। तो ये थी कि कल को दोस्तों हमारे जो बुलबुल है ये वाली कल रात को मरते मरते बची है, ये तकरीबन मौत के मुंह से जो है ना बाहर आई है। वो क्यों आई है कि
इसने, मैं जब एवरी के जब जाना डाल रहा था दरवाज़ा खोल के, तो मैंने देखा कि मेरी बुलबुल जो थी इसके पाओ के ये जो पानी वाला बाउल देख रहे हैं इसके ऊपर बैठी हुई थी, सुस्त हो गए बिल्कुल सर। इसने गर्दन को अपनी झुकाया हुआ था, बिल्कुल ढीली हुई हुई थी, तो मैंने जल्दी से इसे पकड़ा तो ये गर्दन में अपना मुँह खोल के कुछ कर रही थी, तो मुझे समझ लगी कि हो सकता है इसके गर्दन में कोई मसला है। तो जब मैंने इसकी गर्दन जो है आप सॉरी गर्दन को जब इस तरीके से चेक किया पकड़ के, तो यार इतनी मोटी चीज़ जो थी ना, इसने पता नहीं क्या चीज़ थी वो फंसाई हुई थी गले में। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज़ थी, मैंने काफ़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब इसको दबा दबा के आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल इसके मुंह से वो निकाल दी, और बिल्कुल सुस्त हो गई थी ये, मरने वाली बिल्कुल हालत थी। अगर मैं ये थोड़ी देर बाद आके देखता तो ये मुझे जो थी ना मरी भी मिलती, लेकिन काफ़ी शुक्र है अल्लाह का कि ये जो है हमारे पास बच गई माशाल्लाह। देखें अब बिल्कुल एक्टिव है, उसके बाद बिल्कुल सुस्त हो गई थी, मैंने जब केज में छोड़ा बिल्कुल जो थी ना ये आप कह सकते हैं ढीली हुई हुई थी, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी ठीक हो गई। इसका जो टांग फ्रैक्चर हो गई थी वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप ठीक हो गई है। बाकी दूसरा बुलबुल का बच्चा जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो जी बैठा हुआ है, ये देखें ये रहा माशाल्लाह हमारा दूसरा बुलबुल का बच्चा, ये भी तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी दुम जो है वो अभी आ रही है, और ये जो है अभी कम लड़ते हैं माशाल्लाह। देख रहे हैं आपके सामने कैसे बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं, और बुलबुल काफ़ी खुश हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये देख रही है कि मैंने जो था ना इसकी जान बचाई है, जान बचाने वाले तो अल्लाह की ज़ात है लेकिन वसीला तो लोग बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह ठीक है, तो चलें मैं तोते को दाना डाल दूँ क्योंकि दाने से जो है ना ये पागल हो रहा है, क्योंकि इसके बच्चे भी हैं, ये ना हो कि इसके बच्चे जो हैं मर जाएँ। तो दाना इस बर्तन में रखा हुआ है मैंने इनका, ये देखें आप खुद देखें, ये एक मिनट जरा, ये देखें जी अब जो है इनको मैं दाना डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों माशाल्लाह इसने दाना खाना शुरू कर दिया और बड़े शौक से जो है ये दाना खा रहा है। तो जब मैं इनको दाना डालता हूँ ये बुलबुल जो है, तब इनकी लड़ाई होती है, वैसे जो है ये आपस में बड़े आराम से जो है वो बैठे होते हैं। और चूज़ों को अभी मैं छत पे ले जाऊँगा क्योंकि रात सुबह और शाम के टाइम जो है मैं इनको छत पर लेके जाता हूँ ताकि ये घूम फिर लें। बाकी गुड न्यूज़ की बात कर लें अगर, तो गुड न्यूज़ दोस्तों ये हमारी कि हमारी जो एक फ़ीमेल थी जो बच्चा था तैयार हुआ है जो माशाल्लाह, उसने भी इस तोते, वो अकेली थी बिल्कुल, तो जो वो वाली फ़ीमेल थी जिसने हमारे अंडे ज़ाया किए थे डायमंड अब के, लेकिन माशाल्लाह उस फीमेल ने दोस्तों इसके साथ पेड़ लगा के उस मटकी में जो है अंडे दे दिए। मैंने तकरीबन जो है कल ही देखा था कि उसमें जो था ना माशाल्लाह एक अंडा पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपके सामने ये कुछ भाई कहते हैं जी बजी इसकी जो होती है ये सिर्फ एक पेड़ एक फीमेल के साथ ही पेड़ लगाते हैं, देखें इस तरीके से नहीं है। देखें आपके सामने ये वाला मेल है, इसके मैं अब आपके बच्चे दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह दोस्तों आंखें भी खुल गई हैं, ये देखें। और ये बच्चे जो हैं वाइट कलर के बन रहे हैं काफ़ी प्यारे माशाल्लाह, ये देखें इसके तीन बच्चे हैं इस वाले पेड़ के, ये मेरा बजीज हैंड है मैं आपको पता ही है। और इसी मेल ने उस फीमेल के साथ पेड़ लगाया और उसने भी जो है वहाँ पर अंडे दे दिए, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये ज़रा चूज़ों को मैं साइड पे करता हूँ, ये देखें एक ये फीमेल है हमारी जिसके दो बच्चे हैं, इसने ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसने दियो। तो चलिए मैं आपको जो है अपनी उसको फीमेल दिखाता हूँ जिसने जो है वहाँ पे अंडा दिया हुआ, ठीक है ये कोने में बिल्कुल इसने अपना नेस्ट बनाया हुआ। और मैं चलें आपको जो है दिखाता हूँ बड़े आराम से, ये दोस्तों मटकी उतर चुकी है और इसके अंदर हमारी बैठी हुई है फ़ीमेल, ये देखें माशाल्लाह। तो अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ नोट किया है कि हमारी फिंचेस ने जब इसमें नेस्ट बनाया था तो इसने जो होती ना अपनी जो नेस्ट इसमें पड़ा वो खाली नहीं किया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जब इसके बच्चे निकलेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी ये नेस्टिंग। तो बाकी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इसने नेस्टिंग की हुई है। तो चलें मैं देखता हूँ इसने कितने अंडे दिए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब देखा था तो एक अंडा इसमें जो था ना वो पड़ा हुआ था, तो इसको मैं इधर रख के जो है चेक करता हूँ। तो जी चेक करते हैं इसके नीचे कितने अंडे हैं, माशाल्लाह अब आपके सामने देखें अभी भी है ना, ये काफ़ी जल्दी इसने जो है मेरे पास अंडा दिया, मैं खुद देख के हैरान हो गया माशाल्लाह, इतनी जल्दी जो इसने मेरे पास ब्रीड कर दिया। ये देखें ज़रा दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह डेली दो दोस्तों, ये देखें दो अंडे हैं माशाल्लाह इसके, मुझे लग रहा है कि इसने ये भी अंडा दिया, ये देखें यार क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने लाजमी बोलना है, ये देखें ठीक है दोस्तों।
दो अंडे। लास्ट टाइम मैंने देखा, मैंने आपको कहा था कि इसका जो था ना एक अंडा था। फीमेल हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको मैं दोबारा से इसको इसकी अपनी जगह पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जी लग गई है हमारी मटकी। ठीक है, तो माशाल्लाह खुशी भी काफ़ी देख के कि इसने इतनी जल्दी हमारे पास अंडे दे दिए हैं, और वो भी दो माशाल्लाह। और ये इसका जी मेल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रहा। ठीक है, ये इसका मेल है, यहीं पे इसके पास भी आता है और उस फीमेल के पास भी जो है ना जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आप तक जो है वो पहुँचती रहें। और अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका जवाब दे दूँ, या फिर उस पर जो है मैं वीडियो भी बना दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।